नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रुचित जैन, लीड रिसर्च एनालिस्ट 5paisa में। और ये वीकेंड को मैं ये वीडियो बना रहा हूं मार्केट्स के ऊपर आउटलुक देने को, कि इक्विटी मार्केट्स जो हमने एक नई तेजी कंटिन्यू होते हुए देखे, नए हाईज बनते हुए देखे, वो आने वाले हफ्ते में कैसे रह सकते हैं, क्या डेटा पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, वो सब पे हम डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहले तो शुरू करने के पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मैं महाशिवरात्रि के दिन ही फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट? सो नेक्स्ट वीक का मार्केट आउटलुक के लिए आप ये वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, जिसमें हम चार्ट्स है, डेरिवेटिव्स के डेटा है, इंटरनेशनल मार्केट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज है, वो सब हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं डेटा के साथ में। जैसे आप जानते हैं कि मेरा जो डेली वेबिनार होता है 11:30 से 12 मार्केट आज में, उसमें मैं डेटा के ऊपर बहुत फोकस करता हूँ। एक तो FIIs का, डेरिवेटिव्स का डेटा और चार्ट्स के सेटअप कैसे बन रहे, राइट? सो अगर डेटा के साथ शुरुआत करें तो FIIs ने ये सीरीज की शुरुआत तो शॉर्ट पोजीशंस के साथ में की थी, राइट? लेकिन वो शॉर्ट पोजीशंस के बाद में हमने वो शॉर्ट्स कवर होते हुए देखी है। इनफैक्ट अगर आप कल के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे, जब मार्केट्स ऑन था थर्सडे को, तब आप ये FIIs डेटा देखेंगे तो कल 15,000 ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, 14,900 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस के कम किए हैं, राइट? सो शॉर्ट पोजीशंस उनकी कम हुई है। टोटल पोजीशंस अगर आप देखेंगे FIIs की, 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लॉन्ग साइड पे खड़े हैं कल 7 तारीख को, और 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके शॉर्ट साइड पे है। तो शॉर्ट पोजीशन ज्यादा है, लेकिन जो नेट शॉर्ट्स है वो अब वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज की शुरुआत उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस के साथ की थी। बट मार्केट्स नीचे नहीं जा रहे हैं, मार्केट्स नए हाइज बना दे जा रहे हैं इंडेक्स फ्रंट पे। सो हम देख रहे हैं कि अब वो शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। 41% उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है अभी, राइट? 42% के आसपास ऑलमोस्ट। और जो क्लाइंट सेक्शन है, क्लाइंट सेक्शन में हम रिटेल ट्रेडर्स है, HNIs है, हम सब आते हैं, उनकी 54% के आसपास लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस है। नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अगर देखें FIIs के, 1,20,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसमें 86-87,000 ऑलमोस्ट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो लगभग 34,000 के आसपास के नेट शॉर्ट उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी है। अब ये डेटा को कैसे रीड करते हैं, मैं यूजुअली डेटा को ऐसे करता हूँ कि चेंजेस क्या हो रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, रादर देन खाली फिगर क्या बता रहे हैं। अब चेंजेस क्या हो रहे हैं, मतलब जो भी पोजीशंस है तो वो पोजीशंस में वो क्या कर रहे हैं, वेदर शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं नेक्स्ट कुछ लास्ट कुछ दिनों में, या शॉर्ट्स कम कर रहे हैं, लॉन्ग एडिशन कर रहे हैं, वो चेंजेस का इंपैक्ट मार्केट्स पे ज्यादा होता है। सो कल के सेशन में तो आपने देखा कि 15,000 ऑलमोस्ट 15,000 के शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने कम किए। अब यही डेटा अगर मैं एक्सपायरी के डे से कंपेयर करूं तो एक हफ्ता हो चुका है एक्सपायरी को, राइट? सो हमने जो फेब्रुवरी से मार्च सीरीज में एक्सपायरी देखी थी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली डेटा दिखे। फेब्रुवरी से मार्च में जो एक्सपायरी दी थी, सो ये देखिए, ये डेटा है एक्सपायरी डे के दिन का। ये जो 29 फेब्रुवरी का डेटा देख रहे हैं, ये 29 फेब्रुवरी का डेटा है एक्सपायरी के दिन का। एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के बाद में अगर आप देखेंगे तो FIIs की 1,27,000 लॉन्ग पोजिशन थी, और 68,000 लॉन्ग पोजिशन थी, और 1,27,000 शॉर्ट पोजिशन थी, और उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था 35% के आसपास। कितना? 35% के आसपास। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं LS ऑन एक्सपायरी डे, यानी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एक्सपायरी डे पे क्या था, नए सीरीज की शुरुआत कहां से हुई थी, 35% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था। और एक हफ्ते में उन्होंने देखिए क्या किया है, 18,000 नए लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, और जो एग्जिस्टिंग उनकी शॉर्ट पोजीशन थी उसमें 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने कम किए, राइट? सो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो एक्सपायरी के दिन 35% के आसपास था, वो आ गया है 42% के आसपास। तो चेंज वीक ऑन वीक चेंज क्या है, 35% लॉन्ग पोजिशन थी वो इम्प्रूव होके 42% आई है, यानी कि थोड़े लॉन्ग्स बने हैं और शॉर्ट्स ऐड हुए और शॉर्ट्स कम हुए। तो जो ये जो कॉम्बिनेशन है कि लॉन्ग बनना, शॉर्ट्स कम होना, ये हमेशा मार्केट में तेजी के फेजेस लेके आता है, और इसीलिए हमने पिछले एक हफ्ते में मार्केट्स में एक अच्छी तेजी इंडेक्स फ्रंट पे आते हुए देखी थी। अब स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्टॉक्स में तेजी नहीं हुई है, उसके ऊपर हम जब चार्ट्स में जाएंगे तभी चर्चा करें। बट आई होप दिस इज क्लियर कि लास्ट एक हफ्ते का जो डेटा है वो डेटा में क्लियरली देखा है कि FIIs ने सीरीज की शुरुआत शॉर्ट पोजिशन के साथ की थी, लेकिन उसके बाद 18,000 एक हफ्ते में नए लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने ऐड किए और 7,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए, तो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंप्रूव हो रहा है। तो वो मार्केट के लिए थोड़ा डेटा पॉजिटिवली हम ऐसे रीड करते हैं। अब डेटा के साथ साथ चार्ट्स के ऊपर फोकस करें, राइट? सो आई विल गो ऑन द चार्ट्स टू। सो निफ्टी का ये डेली चार्ट है। सबसे पहले तो ये पूरे अप मूव में बीच बीच में हमने करेक्शंस देखे। 15 जनवरी को जो हाई बना था उसके बाद ये फर्स्ट करेक्शन, ये सेकेंड करेक्शन यहाँ पे आया, यहाँ पे और एक करेक्शन आया, थर्ड करेक्शन,
तीनों ही करेक्शन में आप देखेंगे लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन कहीं नहीं है, राइट। लोअर टॉप लोअर बॉटम जो मार्केट में यूजुअली इंडिकेट कर रहा है प्राइस वाइज करेक्टिव फेस के, एक तो वो फॉर्मेशन कहीं नहीं। सेकेंडली जो भी ये करेक्शन है उसमें जो मैंने ग्रीन मूविंग एवरेज आया है लगाया है वो 40 दिन का ईएमए है, 40 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ओके। सो प्राइस वाइज करेक्शन में देखिए जो 15 जनवरी से पहला डिप आया ये ग्रीन मूविंग एवरेज के आसपास आया, फिर ऊपर आया, अब यहाँ पे डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया था, विच जो मैं भी मेरे वेबिनार्स में इसके ऊपर बात कर रहा था कि शायद मार्केट ने डबल टॉप बनाया है तो डबल टॉप के बाद करेक्टिव फेज आएगा अगर सपोर्ट्स टूटेंगे तो। लेकिन ये जो डबल टॉप जैसा पैटर्न बना वहां से जो करेक्शन आया उसमें वापस ये 40 डीएमएस जो सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं हुआ और इसी लेवल से मार्केट्स ने अपट्रेंड का रीजन किया। नए हाई बनाए 23 फरवरी को 22,280 22,300 के आसपास, वहां से करेक्शन और फिर से हमने देखा कि ये एवरेज ब्रेक नहीं हुआ और अभी भी हम वो हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्राइस वाइज स्ट्रक्चर्स कोई खराब नहीं हुआ है निफ्टी फ्रंट पे, निफ्टी फ्रंट पे प्राइस वाइज स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है क्योंकि आप देख रहे हैं हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर्स अभी भी बन रहा है। और इंपॉर्टेंटली ये 40 डेज का ईएमए जो मैं बार बार देख रहा हूँ क्योंकि बार बार करेक्शन में वो सपोर्ट एक्ट कर रहा है, वो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपका ब्रॉडर ट्रेंड खराब नहीं होगा और जो भी डिप्स आएंगे डिप्स पे आपको बाइंग वहां पे दिखेगी। आरएसआई जब मार्केट से ऐसे कंसोलिडेशन फेज, क्या अगर आप मिड जनवरी से देखेंगे मिड जनवरी पे 22,200 के आसपास थे, हम 29 फरवरी को यानी डेढ़ महीने के बाद भी 22,200 के आसपास ही थे। सो जनवरी के सेकेंड हाफ में और पूरे फरवरी में इंडेक्स में कोई रिटर्न्स नहीं बने बट साइडवेज रहा और ऐसे करेक्शन को हम टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। तो करेक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक प्राइस वाइज करेक्शन जिसमें प्राइस करेक्शन आते हैं जो हम काफी स्टॉक्स में देख रहे हैं कि हुआ है ये लास्ट एक डेढ़ महीने में, और एक टाइम वाइज करेक्शन जहां पे ट्रेंड थोड़े टाइम के लिए साइडवेज रहता है और मार्केट्स ने ये एक से डेढ़ महीने का टाइम वाइज करेक्शन दिखाया था इंडेक्स फ्रंट पे। टाइम वाइज करेक्शन में आरएसआई भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्रॉसओवर्स देता है बट वही है कि आरएसआई ट्रेंडेड फेज में ज्यादा काम होता है तो छोटे मोटे करेक्शन जब आते हैं तब वो थोड़ा सा बैकसीट ले लेता है, बट अब आरएसआई में भी फिर से फिलहाल पॉजिटिव क्रॉसओवर्स है। सो एक तो प्राइस वाइज सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ निफ्टी में, सेकेंडली जो प्रीवियस हाई थे वो क्रॉस करके डेढ़ महीने का टाइम वाइज करेक्शन के बाद में अपमूव रिज्यूम किया है और आरएसआई ने भी पॉजिटिव दे दिया। सो ये स्ट्रक्चर क्लियरली आप देख सकते हैं पॉजिटिव है। इंपॉर्टेंट लेवल्स एक तो 22,200, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं जो मैंने ड्रॉ की है, ये जो लास्ट डेढ़ महीने में जो हायर बॉटम्स बने हैं मैंने इनको कनेक्ट करके ये ट्रेंड लाइन की है जो 22,100 से 22,200 के बीच में आ रहे हैं। तो फिलहाल वो इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और उसके बाद जो ग्रीन एवरेज है जो 40 डीएमए में बार बार बात कर रहा हूँ वो 21,920 के आसपास है, तो वो पोजिशनल सपोर्ट मार्केट में ट्रेंड चेंजिंग लेवल जो हम बोलते हैं वो है। सो अब जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ये सपोर्ट लेवल भी फिर बेस ऊपर शिफ्ट होते जाएगा। हम जब यहाँ पे थे मिड जनवरी में तब ये सपोर्ट बेस 21,200 के आसपास था, फिर जब मिड फरवरी में आए तो ये सपोर्ट बेस शिफ्ट हुआ लगभग 21,500 के आसपास, फिर ये अभी शिफ्ट हो चुका है 21,900 से 22,000 की रेंज में, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब अगर ये तेजी कंटिन्यू होती है तो कहां तक जा सकती है? ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई पे हम यूजुअली क्या करते हैं कि जो करेक्शंस आते हैं करेक्शंस के ऊपर रिट्रेसमेंट लगा दे और वो थ्योरी हमें काम आती है देखने के लिए कि ये कहां तक ही अपमूव जा सकते हैं। तो ये जो रिसेंट करेक्शन आया था 22,115 से 21,140 के आसपास था, इसका मैंने रिट्रेसमेंट लिया और इसका 161.8% अगर रिट्रेसमेंट होता है ये तेजी में तो वो लेवल आ रहा है 22,720। यू कैन सी आई होप ये इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने है, ये 22,720 वो लेवल है कि जहां पे 161.8% ऑफ दिस करेक्शन। सो अगर ये कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो सबसे पहले टारगेट जो इंडेक्स के लिए दिखेंगे 22,720 के आसपास, और 22,720 के लेवल अगर क्रॉस होते हैं और फिर भी ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है कि हमको कोई सपोर्ट ब्रेक जब तक नहीं होते तब तक मार्केट्स का ट्रेंड खराब नहीं होगा, तो उसका नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल आएगा 23,100 के आसपास, 23,100 के आसपास। सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आई होप आपके पास है, 22,200 के अराउंड पहला सपोर्ट, पोजिशनल सपोर्ट 21,900 से 22,200 की रेंज में जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, उसके नीचे गया तो ट्रेंड चेंज, अदरवाइज तब तक जो डिप्स आएंगे वो डिप्स एक सिर्फ करेक्शंस रहेंगे जो हमने लास्ट डेढ़ दो महीने में जैसे देखा है, और ऊपर 22,720 पहला टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इनकेस सब वैसे ही चलता रहा जैसे अब तक चल रहा है कि मार्केट्स डिप्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बाइंग दिखती है, वापस से कोई मेजर ट्रेंड सपोर्ट्स नहीं ब्रेक होते,
23,100 के आसपास, प्रिसाइजली 23,094 का लेवल आ रहा है ये, तो 23,100 के आसपास हम ये तेजी एटलीस्ट कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। जैसे प्राइस अप हो जाएंगे, सपोर्ट चेंज होंगे, और वो सबके बारे में डिस्कशन में रेगुलरली अपने वेबिनार में करते रहूंगा, तो वहां पे जरूर ध्यान रखिएगा। राइट, सो ये निफ्टी का चार्ट है। राइट, सो इसके अलावा डेली आरएसआई पॉजिटिव। अब बैंक निफ्टी पे जाते हैं। आई वोंट फोकस मच ऑन आवरली टुडे, क्योंकि आवरली चार्ट हम वैसे ही हमारे वेबिनार्स में डिस्कस करते हैं, तो ये लंबा वीकेंड है, सो आई थॉट एक ब्रॉडर ट्रेंड कवर कर लेते मार्केट्स के लिए। बैंक निफ्टी के चार्ट सक्सेस देखें तो रिसेंटली एक तो बैंक निफ्टी काफी समय का अंडर परफॉर्मेंस था। अंडर परफॉर्मेंस इसके लिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है, बट लास्ट एक डेढ़ हफ्ते में बैंक निफ्टी में भी पार्टिसिपेशन आया है। ये ब्लैक मूविंग एवरेज के आसपास का करेक्शन का सपोर्ट लिया और ये बैंकिंग में आरएसआई पॉजिटिव, प्राइस स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव। सो यहाँ पे भी तेजी थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है और 48,630 प्रीवियस हाई था 28 दिसंबर 2023 जो ऑल टाइम हाई, शायद लेट्स सी अगर ये निफ्टी कंटिन्यू होता है ट्रेंड, क्योंकि इस बार आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक टू एन एक्सटेंट रेंज बाउंड से निकलने की कोशिश कर रहा है, बट इन सब में थोड़ी अच्छी तेजी देखी गई है। सो अगर ये तेजी कंटिन्यू रहती है तो 48,600 के आसपास के लेवल्स बैंक निफ्टी के इंडेक्स में भी देखने मिल सकते हैं। एट सो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स जो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली आने वाले हफ्ते में रहेंगे, पहला 47,500, 47,500, फिर 47,000 से 47,100 की रेंज, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और ऊपर 48,600 से 700 जो प्रीवियस हाई था वो रहेगा। राइट, उसके ऊपर फिर हम जैसे निफ्टी में रिट्रेसमेंट्स लिए हैं, मैं अपने वेबिनार में आपको दिखाऊंगा कि ये करेक्शन के रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से क्या नए टारगेट्स बैंक निफ्टी में फिर बनेंगे। सो आई होप ये दोनों क्लियर है, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट हमने डिस्कस किए। इंपॉर्टेंटली अब ये लास्ट 15-20 दिन में या एक महीने में क्या हुआ है, निफ्टी नहीं गिर रहा है लेकिन स्टॉक्स, काफी सारे स्टॉक्स में करेक्शन आया है। अब यही होता है जब इंडेक्स टाइम वाइज करेक्टिव फेज में आता है, जो स्टॉक्स बहुत ओवरबॉट है वो कोशिश करते हैं कि इंडेक्स अब ऊपर नहीं जा रहा है टाइम वाइज करेक्शन में, तो उनमें प्राइस वाइज करेक्शंस हो जाते हैं। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी साथ साथ में देख लेते हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के चार्ट अच्छे, ये निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स है। अब निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स यहाँ पे डाइवर्जेंस जरूर है, नीचे आरएसआई में देखिए लोअर टॉप का फॉर्मेशन है जो अब तक निगेट नहीं किया है, बट प्राइस वाइज सपोर्ट भी ब्रेक नहीं कर रहा है। अगेन वही ग्रीन एवरेज जो मैं निफ्टी पे आपको दिखा रहा था, 40 डेज का ईएमए, इसका मैजिक देखिए। सिर्फ निफ्टी पे नहीं, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में भी ये प्राइस एक्शन देखिए। यहाँ पे करेक्शन ग्रीन एवरेज के आसपास सपोर्ट, यहाँ पे करेक्शन ये ग्रीन एवरेज के आसपास सपोर्ट, यहाँ पे फेब्रुवरी के स्टार्टिंग में करेक्शन अगेन दिस सपोर्ट, फिर 26 फेब्रुवरी एंड में करेक्शन अगेन सपोर्ट, लास्ट वीक का लो भी ये ग्रीन एवरेज के आसपास ही है। सो फिलहाल जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है वो अभी भी टाइम वाइज करेक्टिव फेज में गया है। सो जब तक ये टाइम वाइज करेक्टिव फेज मिड कैप इंडेक्स में चलता रहेगा तब तक शायद ब्रॉडर मार्केट्स में वैसा पार्टिसिपेशन नहीं दिखेगा जो ऑल टाइम हाई पे जनरली दिखता है। राइट, वो होगा अगर वापिस से हम 49,500 या 49,600 के लेवल्स जो है, राइट, सो ये जो रेंज बनाया है, रिसेंट हाइज बनाया है, वो क्रॉस होगा तो वापिस से मोमेंटम रिज्यूम होगा। फिलहाल आरएसआई न्यूट्रल है, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, और ट्रेंड भी साइडवेज है, और ये ग्रीन एवरेज अब आ गया है 48,100 पे। सो 48,000 हम पकड़ लेते हैं, 48,000 के नीचे अगर स्लिप होता है मिड कैप 100 इंडेक्स तो फिर मार्केट में प्राइस वाइज करेक्शन के साइंस रहेंगे, लेकिन ये हम फिलहाल ध्यान में रखेंगे क्योंकि वो हुआ नहीं है अब तक। राइट, तो जब तक वो नहीं होता है, ब्रॉडर ट्रेंड क्योंकि पॉजिटिव है तो बेटर है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के ही ट्रेड करनी चाहिए, और अगर 48,000 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर 46,000 तक जो ब्लैक एवरेज आप नीचे लगा रहे, फिलहाल मैंने अब तक वेबिनार में उसकी बात ही नहीं की है क्योंकि अब तक तो ग्रीन को ब्रेक करने की ब्रेक हुआ नहीं है कहीं पे भी, ना ही निफ्टी में, ना ही मिड कैप इंडेक्स में। वो ब्रेक होगा तो हम नीचे के दूसरे सपोर्ट्स के आसपास जाएंगे, बट मोर ऑर लेस मिड कैप्स फिलहाल साइडवेज है। लास्ट 2 महीने 1.5 महीने से ऊपर होगा ये पूरे साइडवेज ट्रेंड है। 49,600 के लेवल टूटते हैं तो इट रिज्यूम्स अप ट्रेंड, 48,000 का लेवल टूटता है तो फिर मिड कैप्स में प्राइस वाइज करेक्शन का फेज आएगा। राइट, सो ये लेवल्स को ध्यान रखिएगा, कौन सा ब्रेकआउट आता है उसके ऊपर आप ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। नाउ बिफोर गोइंग टू मोर, राइट, सो यहाँ पे हम और एक चीज डिस्कस मैं आपको बता लेता हूँ, विच इज द आई वॉन्टेड टू शो चार्ट ऑफ डॉलर इंडेक्स। राइट, सो ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। अब डॉलर इंडेक्स एक काफी इंपॉर्टेंट रोल फॉर्म करता है इमर्जिंग मार्केट्स के डायरेक्शन डिटरमिनेशन में, यहाँ पे इनवर्स कोरिलेशन होता है।
डॉलर इंडेक्स जब तेजी कर रहा होता है तो वो नेगेटिव साइंस रहते हैं इक्विटी मार्केट्स के लिए, राइट। और जब डॉलर इंडेक्स गिरता है हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए वो पॉजिटिव रहता है। अब पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ पे एग्जैक्टली ये फेज देखिए, दिसंबर के एंड में जनवरी के स्टार्ट में हमने डॉलर इंडेक्स में 100 के आसपास का लो बनते हुए देखा और वहां से लेके हमने 14 फरवरी तक ऑलमोस्ट मिड फरवरी तक 100 वाला 105 एक अपमूव आया। तो ये जो फेज था जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा था तब हमारा मार्केट ऊपर जाना बंद हो गया मिड जनवरी से, राइट। और वहां पे हमने प्राइस वाइज नहीं बट टाइम वाइज करेक्टिव फेज देखा। अब पिछले एक डेढ़ हफ्ते में जो 105 वाला था वो देखिए वापस 103 के नीचे गया है। सो अगर ये डॉलर इंडेक्स जो करेक्ट हो रहा है वो भी इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव साइन है। सो फॉलिंग डॉलर इंडेक्स इज अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट्स। और ये डॉलर इंडेक्स अगर करेक्शन होगा नीचे जाएगा सो वो भी डॉलर इंडेक्स मार्केट्स के लिए पॉजिटिव साइन है। और एक चीज सेक्टर वाइज, अब मैं आपको ये वेबिनार में कुछ 3-4 हम स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं जहां पे चार्ट्स के ऊपर अच्छे पैटर्न्स बन रहे, राइट। सो वो आप ट्रेडिंग के लिए ध्यान में रख सकते हैं। बट यस, हमारे ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं कि जहां पे हम रोज लाइव मार्केट में ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस देते हैं। हमारे रिकमेंडेशंस बहुत लिमिटेड रहते हैं बट नो जहां पे हमको लगता है तो ही देते, अदरवाइज वी डू नॉट बॉम्बर्ड कि बहुत ज्यादा रिकमेंडेशंस नहीं देते। बट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस के लिए। फॉलिंग डॉलर इंडेक्स की जो हम बात कर रहे हैं वो मेटल्स के लिए काफी पॉजिटिव रहता है क्योंकि इनवर्स कोरिलेशन रहता है मेटल्स और डॉलर इंडेक्स में भी। डॉलर इंडेक्स गोई डाउन मेटल्स ऊपर जाते हैं, आप बेस मेटल्स भी देख सकते हैं, गोल्ड सिल्वर गोल्ड जैसे मेटल्स कैसे रैली कर रहे हैं और जनरली मेटल स्टॉक्स भी रैली करते हैं अगर बेस मेटल्स रैली करते हैं। सो इसीलिए हमने पिछले हफ्ते देखा कुछ स्टॉक्स में अच्छी रैली आई जिसमें अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें टाटा स्टील के चार्ट सक्सेस काफी पॉजिटिव है, राइट। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं RSI पॉजिटिव, लुक एट द वॉल्यूम्स पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स पॉजिटिव, जो भी करेक्शन हुए ग्रीन एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, 148 इमीडिएट फर्स्ट सपोर्ट है अभी स्टॉक के लिए, 148 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक ये हायर टॉप हायर बॉटम और कंटिन्यू रह सकता है। सो डेली चार्ट सक्सेस वीकली चार्ट सक्सेस भी पॉजिटिव, राइजिंग वॉल्यूम्स RSI गोइंग अप मूविंग एवरेजेस के ऊपर एंड मंथली चार्ट सक्सेस पे भी देखिए, हालांकि हम मंथ के मिड में भी नहीं पहुंचे हैं तो मंथली चार्ट यूजुअली मंथ के क्लोजिंग पे देखना जरूरी है बट मैं जस्ट अगर देखूं तो लुक एट दिस ट्रेंड लाइन प्रीवियस हाइस जो टाटा स्टील में 153 का बना था अगस्त 2021 में वो ये स्टॉक क्रॉस कर रहा है। सो दिस कैन डू वेल, अब कहां तक जा सकता है। सो ये जो करेक्शन है, अब मैं ये मंथली चार्ट पे लगा रहा हूं तो ये मंथली चार्ट के लेवल देख के डेली या इंट्राडे ट्रेडिंग इसके बेसिस पर मत कीजिएगा, राइट। सो बिकॉज मंथली चार्ट मतलब लॉन्ग टर्म के चार्ट सक्सेस होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे सक्सेस में इनिशियल टारगेट्स लगाता हूँ अबाउट रिट्रेसमेंट्स तो वो आते हैं 173 के अराउंड पहले, राइट। और अगर 173 के लेवल्स भी क्रॉस हो जाते हैं तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैं मंथली चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूँ, तो 197 तक के टारगेट्स फिर स्टॉक में आते हैं, राइट। सो टाटा स्टील इज वन स्टॉक जो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए देख रहे हैं मेटल्स में ये फोकस में रख सकते हैं विच कैन बी गुड। सेकेंडली और एक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जो फॉर्म हो रहा है, जो फॉर्म हुआ है फ्राइडे को उसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं, वो है मैरिको का चार्ट सक्सेस। मैरिको इफ यू सी दिस इज द डेली चार्ट, यहाँ पे अब मोमेंटम अब तक पॉजिटिव चेंज नहीं हुआ है बट यहाँ पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि एक तो ये प्रीवियस स्विंग लोज आप देख रहे हैं, राइट, 500 से 510 ये प्रीवियस स्विंग लो सपोर्ट जोन है, राइट। सो मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। सो ये देखिए, ये गैप अप ओपनिंग मई 2023 में हुआ था, मई 2023 में आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड के चार्ट पे ये गैप अप ओपनिंग हुआ था जो 500 से 510 का गैप था और हमेशा जो भी डिप्स आए हैं वहां पे मैरिको ने सपोर्ट लिया, राइट। सो अब वापस से ये डिप आया, एक गैप डाउन ओपनिंग हमने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में देखा, राइट। सो या वेनसडे के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन हो गया, कल के सेशन में फ्राइडे को बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। जो ये चीज टर्म नहीं जानते हैं आप प्लीज इन्वेस्टोपीडिया पे जाके सर्च कर सकते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और फिर वहां पे जो भी आप चार्ट्स देखेंगे उसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न वो भी सपोर्ट के आसपास बना है। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है मेरे हिसाब से मैरिको में कुछ कॉन्ट्रैक्ट रेट्स लेने के लिए, राइट। सो ये जो गैप एरिया के नीचे अगर वो गया तो व्यू चेंज, तो अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉसेस जरूर रखेगा और ये पैटर्न प्ले आउट हो जाता है सो हु नोस के बॉटम के आसपास है और यहाँ से रिवर्सल में फिर से 555 के आसपास जो प्रीवियस हाई थे ग्रेजुअली वहां तक जा सकता है। एक और स्टॉक जो आपके ध्यान में रख सकते हैं वो है PI इंडस्ट्रीज। अब PI इंडस्ट्रीज में जो रिसेंट करेक्शन आया, करेक्शन के बाद प्राइस अपमूव आया, अपमूव के बाद अब कंसोलिडेशन चल रहा है।
कंसोलिडेशन में फिलहाल अच्छी बात यह है कि दोनों ही एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और वो एवरेज सपोर्ट यहाँ पे 3550 से 3530 की रेंज में है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट आना पेंडिंग है। ये जो मैंने ब्लू ट्रेंडलाइन ड्रॉ किया आप देख रहे हैं वो हायर लेवल है 3715 के आसपास, राइट। सो अब ये हाई देख सकते हैं 26 फरवरी का हाई 3712, 2 मार्च का हाई 3715, कल 7 मार्च का हाई 3714, 3714, 3715 बार बार रेजिस्टेंस है। और अगर ये स्टॉक 3715 के ऊपर निकल जाता है तो उसके बाद आप ये स्टॉक बाइंग के लिए देख सकते हैं। प्रीएम्प्ट करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि प्रीएम्प्ट कीजिए, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग टू प्रीएम्प्ट, बट क्योंकि एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है तो ये आपके लिस्ट में रख सकते हैं, फोकस में रख सकते हैं, जहां पे अगर 3715 के ऊपर निकलता है तो ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आई थिंक एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, राइट। सो पीआई इंडस्ट्रीज वन स्टॉक वी डिस्कस, ब्रेकआउट पेंडिंग वी डिस्कस द लेवल, टाटा स्टील वी डिस्कस, फॉलिंग डॉलर इंडेक्स का आई थिंक बेनिफिट वहां पे रह सकता है टाटा स्टील के लिए, एंड थर्ड स्टॉक वी डिस्कस वॉज मैरिको जहां पे बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न बना है, राइट। सो आई होप नो काफी सारी चीजें हमने ये वीडियो में डिस्कस की, वेदर वो ग्लोबल मार्केट्स में डॉलर इंडेक्स को लेकर रहे, डेरिवेटिव्स के डेटा रहे, एफआईएस कैसे शॉर्ट्स कवर कर रहे, थोड़े लॉन्ग्स एडिशन उन्होंने किए हैं, या फिर जो है निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप्स हमने डिस्कस किया। आई होप ये नो व्यूज आपको काम आएंगे, और इसके अलावा ऑप्शंस के डेटा भी है, बट आई थॉट टू कीप सम लिमिटेड इन दिस, क्योंकि वो सब चीजें हम वैसे ही हमारे डेली लाइव मार्केट में डिस्कस करते ही है। सो अगर आपने हमारे वेबिनार अब तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल पे जाके उस वेबिनार में हमसे जुड़ सकते हैं रोज 11:30 से 12 बजे, जहां पे लाइव मार्केट में हम ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपके फीडबैक्स की जरूरत है, आप प्लीज आपके जो भी फीडबैक्स है वो फीडबैक्स हमें जरूर दीजिएगा, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, वेदर हम जो चीज कर रहे हैं वो काम की है या नहीं है, सो दैट हमको पता चल सके सो व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर यू। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट उनको भी थोड़ा मार्केट का नॉलेज मिल सके। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड, मैं आपको मिलूंगा अब सीधा सोमवार को हमारे वेबिनार में, टिल देन गुड बाय। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।